शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये अदालत रतन उर्फ जयंती लाल को मुजरिम करार देते हुए इसे ताजीराते हिंद की दफा 302, 304 और 306 के तहत फांसी की सजा का हुक्म सुनाती है। हैंग टिल डेथ। सब ठीक हो। चलो भाई, चलो चलो चलो। आप लोग यहीं रुकिए। नर्स, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मुबारक हो सर, आपकी पत्नी को जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। क्या? अरे मुबारक हो। डबल बच्चे, डबल मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। नर्स, मैं अंदर जा सकता हूँ? यस सर। थैंक यू। गीता, गीता तुम ठीक तो हो ना? जी। मुबारक हो गीता। आपको भी। मुबारक हो। क्यों है? ये दोनों बच्चे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इसलिए हमें ऑपरेशन करके इन्हें अलग करना पड़ा। ऑपरेशन? कोई खतरा तो नहीं है ना? नो, ऐसी कोई खतरे की बात नहीं है, पर हाँ, इन दोनों के बीच में रिफ्लेक्स एक्शन होगा। मैं समझा नहीं। मैं समझाती हूँ, ये देखिए। मतलब अगर एक को चोट लगेगी तो वही चोट दूसरा भी महसूस करेगा? हाँ, एक हंसेगा तो दूसरा भी हंसेगा, और एक को भूख लगेगी तो दूसरे को भी भूख लगेगी। सर। यस। रतन का ऑपरेशन खत्म हो गया। ठीक है, उसे सेंट्रल जेल ले जाओ। ओके सर। बच्चे हैं। अरे बहुत खूबसूरत हैं, बिल्कुल अपनी माँ के जैसे। नहीं, लगते तो आप ही की तरह हैं। अरे नहीं, लगते तो तुम्हारे ही जैसे हैं। मल्होत्रा, नहीं नहीं, रतन मेरे बच्चे को छोड़ दे। मल्होत्रा रुक जा, तेरे इस बेटे का टिकटवा दबा दूंगा, रुक जा। रतन तू यहाँ से बचकर नहीं जा सकता, मेरा बच्चा छोड़ दे। रतन मेरा बच्चा वापस कर दे। रतन, रतन पागल मत बन। रतन
नर्स इसे रखो, डॉक्टर गीता को संभालो, कम ऑन लेट्स गो। रतन बाबू, बेटे, बेटे, रतन मेरे भाई, अरे तू यहाँ कैसे आया? ये वक्त बातों में जाया करने का नहीं, एसीपी मल्होत्रा मेरा पीछा कर रहा है, वो यहाँ आने से पहले हमें ये जगह खाली करनी पड़ेगी। तुम चारों तरफ से घेर लिए गए हो, मेरा बच्चा मेरे हवाले कर दो और खुद को सरेंडर कर दो। रोते नहीं बेटे, तू बहादुर बाप का बहादुर बेटा है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। नहीं बापू, मैं आपको छोड़ के ले जाऊंगा बापू। जिद नहीं करते बेटे, नहीं तुझे जिंदा रहना होगा, अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए मेरा क्रिया कर्म उस दिन करना जिस दिन तू अपने बाप के हत्यारे उस मल्होत्रा को मौत के घाट उतार देगा। बेटे मुझे वचन दे, तू उसे मार डालेगा, मुझे वचन दे। बाबू मैं आपको वचन देता हूँ बाबू, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझे जाना होगा, अपने बाप की मौत का बदला कैसे लेगा जब तक जिंदा नहीं रहेगा। चल शर्मा, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, उनका कहना है कि जिंदगी भर ये इसी हालत में रहेगी। नहीं यार, दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो सके। एक अमेरिका में एक डॉक्टर मेरा दोस्त है, मैं उससे बात करता हूँ। तू भाभी को वहां लेकर जा, जहां तक कारोबार का ताल्लुक है वो मैं संभालूंगा, तो फिक्र मत कर। जा। ये शिव शिव, मंदिर ना हुआ, अनाथालय हो गया, बच्चे पैदा करते और यहीं छोड़ जाते। अबे ओ पंडित, रोती हुई बच्ची को देख तो सकता है, उठा के चुप नहीं कर सकता क्या? तेरे सीने में इतना ही दर्द हो रहा है तो तू ही चुप करवा ले। अबे हाँ ना, चुप हो जा। देख, तेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं, तो इस नाते से तू मेरी बहन मानी गई। चल मैं तुझे पालता हूँ। अबे राजा, खुद को तो पाल ले, फिर दुनिया की सोचना। अबे तेरे से भीख तो नहीं मांग रहा हूँ ना, तुझे भूख लगी है ना, चल मैं तुझे दूध पिलाता हूँ। टिकी टिकी टिकी, ए भाई दूध देना।
पैसे देना, पैसे बाद में ले लेना, दूध भी तू बाद में लेना, चल भागे से। अरे भाई साहब दो पेप्सी देना। हाँ देख मैं तेरे लिए दूध ले आया, अब हमारी बहना रानी दूध पिएगी। टिकी अरे तूने अपुन की बहन को छेड़ा। ताले राजा की बहन को तेल लाता। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। दांत में पता। ओ तत्ते ना, आई एम तत्ती। नथिंग ओ टेल अबाउट इट। माल। ये फाइट कोई टीवी में नहीं दिखाई जा रही कि तुम इस तरह देखकर मजा ले रहे हो। जाओ जाकर रोको भैया को। अरे ताए तो मना तलाश कर लिया है। देख तेरा भाई कितना दोस्तों से माल ला। माल ये कॉलेज है, मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ, मेरा नाम खराब हो जाएगा। अरे तुम्हारा नाम खराब नहीं होगा, तुम्हारा नाम और भला हो जाएगा। कॉलेज का तूतन तो क्या, कॉलेज का प्रिंसिपल भी तुम्हें तो तैने तक डल जाएगा। ये तुम्हारा भाई है? यस सर। अपने भाई को कॉलेज में बुलवाकर गुंडा गर्दी करवाती हो। जानती हो मैं तुम्हें कॉलेज से निकाल सकता हूँ? ए पेटलू, फूल किसको दे रहा है? हाँ अपन को अपनी बहन को तेरी तरह पढ़ा लिखा के नौकरी वोकरी नहीं करानी है, अपन तो इसको अपनी तरह बिजनेसमैन बनाएंगे। चल वो तो कहीं पढ़ा लिखा है, चल घर चल। भैया चलना, मुझे कॉलेज में पढ़ना है। मुझे कॉलेज बंद करवाना है क्या? अरे हट तू। तुम कहाँ जा रहे हो? आपने लमान पढ़ी है? रामायण। जिधर राम जाएगा उधर लक्ष्मण जाएगा। लेकिन तुम नहीं जा सकते। क्यों? इसलिए कि मारपीट इसने की है, तुमने नहीं। लेकिन मैंने मारपीट देखी तो ताली बजाई उतना तैयार। चुप। ओ समझ गया, मतलब ये जो मारपीट चलता आप उसी को लेते जाते हैं। हाँ। एक मिनट आप इधर आइए, सामने आइए ना प्लीज, आइए ना। बोले ताला लाला। आप अंदर लेके जाओ। चलो अंदर। एक बार ताला ताला बोल दो। नमस्ते। नमस्ते। ताला। ये रहा तुम लोगों का कमरा। अपुन इधर रहेंगे क्या? ये तो तमला है। अरे ना दीवालों पर पेंट है, ना एसी है, अरे ना आज बाथरूम है, कितनी गर्मी है, मैं तो तुझके मर जाऊंगा। ये कह रहा है घुटके मर जाएगा। हाँ। देखो मैं तुम लोगों का स्टैंडर्ड अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ। आज किसी तरह एडजस्ट कर लो, कल मैं तुम्हें दूसरा कमरा दे दूंगा। कल ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुनो, कल 26 जनवरी है तो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स होते हैं, क्या तुम दोनों उसमें हिस्सा लेना पसंद करोगे? बाप अपने को तो सोने का है। नहीं
नहीं अपन चलेंगे, मुझे स्पोर्ट का बहुत शौक है, बोला चाचा चलने का है। देखो उसमें 400 मीटर की दौड़ होगी, उसमें हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा और पोल जंप। पोल जंप यानी कि पोल तोड़ के खेलेंगे। अच्छा अच्छा है, ये जैसा लंबा धंधा होता है वो तू ऐसा बदल लेता, उल्टा था ऐसा भाग देता, ऐसा डाल लेता और डम्बल के टूटता उत्पाद। वेरी बैड वेरी बैड। अरे ये कौन है? चेक कैच कैच कैच। चलो अरे चल निकल निकल बाहर। अरे ये तो क्या कर रहा है? अबे तू क्या कर रहा है? ये पकड़ लिया, अब मेरा फिर से प्रमोशन हो जाएगा। और मेरा डबल प्रमोशन हो जाएगा। वो कैसे? अरे तूने तो असिस्टेंट को पकड़ा है, मैंने बॉस को पकड़ा है। बॉस को चलो हटो, इसे मुझे दे दो। नहीं नहीं मैं क्यों दूं, मैंने पकड़ा है। तुम जानते हो मैं कौन हूं? हां जौनपुर का भैया। और कौन? मैं तुम्हारा बॉस हूं, सीनियर इंस्पेक्टर। मुझे धोखा देकर बॉस बनाया है। धोखा? हां अरे इसने मुझे धोखा दिया और प्रमोशन ले लिया। पता है एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को धोखा दे, ये बात तो अपने समझ के बाहर है बाप। सुना दे तो तक और दूध का पैतला अभी हो जाएगा। पहले तुम्हें ताम तोलो, राजा को तोल दो, तोल दो। राजा को छोड़ दो। हाँ अब बताओ अगली बात क्या है? पैतला राजा बाबू करेंगे, पैतला 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 राजा बाबू करेंगे। अच्छा ठीक बोला। देखो हुआ ये कि एक बार एक खतरनाक मुजरिम चाल शोभराज को 5 किलोमीटर पैदल चल के मैंने पकड़ा। पीछे से ये आ गया, कहने लगा चल चल के तू थक गया होगा, ये ले थम्स अप पी ले, तब तक मैं इसे पकड़ता हूँ। इतने में कमिश्नर साहब आ गए, उन्होंने पूछा कि इसे किसने पकड़ा था, इसने झूठ मूठ कह दिया इसने पकड़ा है। तो क्या मैंने गलत कहा था? उस वक्त मैंने तो उसे पकड़ा था, कमिश्नर ने कहा तो मैंने हाँ कर दी। अरे लेकिन पकड़ा तो मैंने था ना। अरे हवाले तो मैंने किया था ना यार। अरे तू तो एक नंबर का धोखेबाज है यार। तुम मुझसे जबान न तोड़ो, मैं कमिश्नर से शिकायत करूंगा, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। मेरी नौकरी को जब जाना है तब जाएगी, लेकिन तेरी नौकरी तो गई। कैसे? वो देख तेरी ड्यूटी जीप के साथ तेरी नौकरी भी जाएगी। जल्दी से पकड़ लो प्लीज। नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये मेरा ऑर्डर है, कैच देम। कैच नहीं, चेस चेस। चलो इधर में बहुत अच्छा आइडिया आया है। आइडिया बिलू, जब तक दीप माले कब्जे में है ना पूरा फायदा उठा लेते हैं। क्या? दिन भर तोली करेंगे। क्या तोली करेंगे? तोली चोरी। लोग तो ये तम लेंगे ना, पुलिस कर ली है। वो देखो देख सामने बैंक। जो इस बैग को यूं सीने से चिपका के क्यों रखा हुआ है? किसी भी चोर उचक्के को शक हो जाएगा कि आप बैंक से बहुत भारी रकम लेकर निकले। थोड़ा आराम से एक बात बोलूं? आज तूने जिंदगी में पहली मरतबा अकलमंदी की बात की है। तुझे सूट नहीं करती है। चल। एक साला चोरों को दावत देते हुए जा रहा है। पेपर तू कहीं का बातें ये लोग ही चलाते हैं। लुट गया तोली हो गई, तोली हो गई। अरे अरे गुलू, ये तो हमारा मार मार के चला गया, अब क्या चले? अबे गाड़ी घुमा, पहले स्टार्ट तो कर। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? माता आपको लगी तो नहीं? ये देख, हिंदुस्तान की पवित्र धरती पर पैदा होकर गधे की तरह मेहनत करके कुत्ते की तरह जीना छोड़कर चोरी चकरी कर रहा है। ए, कौन है तू? गुल्लू, इसकी आवाज को चोट लग गई। कौन है रे? अरे ये तो चोर के लिबास में चोरनी निकली। ए, तुम लोग कहाँ से आए हो? कंट्रोल गर्ल से। क्या ए, तू कौन होती अपन से पूछने वाली? अपन तेरे से पूछेंगे के कहाँ से तू कमिंग? क्यों? क्योंकि अपन पुलिस वाला है। पुलिस वाले शक्ल से तो चोर लगते हो। ए, यही तो आइडिया है, जितने भी चोर डाकू लोग है ना वो अपने को अपना भाई बंधु समझते हैं। अच्छा? और अपन इसी चक्कर में जाके उन लोगों को धर लेते हैं। क्या देख, जैसे कि तू भी चोरी का धंधा करती है लेकिन शक्ल से तो एकदम हीरोइन लगती है। बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है ना? और बैग दे और सीधी जा पुलिस स्टेशन और अपने आप को कानून के हवाले कर दे। क्यों? तू नहीं आएगा? हाँ चलते हैं, चलते हैं, इसको ले चलते हैं। चलते हैं, जाके जीप में बैठ। ठीक है। तू आती है? इसको पता ले। क्या? ए, तू कहाँ जा रहा है? बैटरी डाउन है, धक्का मार रहे। चल। अरे अरे वो गई, अरे वो गई, अरे बाद में मिलना भाभी। वो देख मेरी वफादार जीप को कैसी मुझे अकेले ढूंढती हुई आ रही है। आ जा। ये जीप को रोको। तुझे ढूंढती हुई नहीं आ रही है, लुढ़कती हुई आ रही है। जल्दी सामान। अरे अरे गेयर में।
वो दोनों चोर कहाँ जो मेरी जीप लेकर भागे थे? वो दोनों चोर थे? नहीं नहीं, कार थे। कहाँ है वो? वो तो मेरा भी बैग चुरा कर ले गए। चुरा? अच्छा, कितना माल था बैग यार थी? कितना माल था बैग में? बता सकता है? आई बिना पेंदे के लूटे, गलत सलत आइडिया देके मेरी सारी रकम लुटवा दी और यहाँ चोरों की तरह बैठ के खा रहा है। एक साल तक तेरा दोपहर का खाना बंद। एक साल तक? जी, दो साल तक तेरे नहाने का साबुन बंद। पूरे घर में बदबू फैल जाएगी। फैल जाने दे। तीन साल तक सर पे लगाने का तेल बंद और चार साल तक दाढ़ी बनाने की ब्लेड बंद। अब ऐसी कौन सी बड़ी रकम चोरी हो गई आपकी जो आप मुझे काला पानी से भी बदतर सजा सुना रहे? कितने पैसे थे आपके बैग में? पैसे का सुनेगा तो बेहोश हो जाएगा। 110 रुपए थे। इतनी बड़ी रकम चोरी हो गई आपकी डैडी? अरे बेटी, ये तो तुम्हारे बाप का जिगरा है जो इलाज के खर्चे के डर से इन्हें हार्ट अटैक नहीं आया। जिस किसी ने मेरे 110 रुपए चुराए हैं ना, वो सुखी नहीं रहेगा। कीड़े पड़ेंगे उसको, उसका पूरा खानदान सड़कों पे भिखारियों की तरह भीख मांगेगा एक दिन। इतने पूरे खानदान को कोसने की क्या जरूरत है डैडी? बद्दुआ देनी है तो चोरी करने वाले को दीजिए। वाली आपको अपनी बेटी कैसी लगती है? अबे बेटी जैसी लगती है और कैसी लगती है? नहीं, उसके कपड़े देखे। मुझे तो चोरनी वही लगती है। बेटा भी मेरी बेटी के इतने बुरे दिन नहीं है कि वो चोरी करके अपना पेट भरेगी। उसके भाग्य में राजयोग लिखा है। साथ में ज्योतिष ने ये भी कहा था कि उसकी शादी किसी चोर से होगी। तू मेरे दिल में बस जा मुझको फंसा ले या फंस जा। तू मेरे दिल में बस जा मुझको फंसा ले या फंस जा। तू मेरे दिल में बस जा मुझको फंसा ले या फंस जा। तू मेरे दिल में बस जा मुझको फंसा ले या फंस जा। चिकनी है चाहत की राहें उस पे ये चिकनी निगाहें। चिकनी है चाहत की राहें उस पे ये चिकनी निगाहें। चिकनी है चाहत की राहें उस पे ये चिकनी निगाहें। क्या सोचती है फिसल जा मुझको फंसा ले या फंस जा। क्या सोचती है फिसल जा मुझको फंसा ले या फंस जा। मेरे दिल में बस जा मुझको फंसा ले या फंस जा। मुझको फंसा ले या फंस जा। नमकीन है तुझको चख लूं होठों पे अपने रख लूं।
नमकीन है तुझको चख लूं, होठों पे अपने रख लूं, नमकीन है तुझको चख लूं, होठों पे अपने रख लूं। फंस जाएगी जाके छुप जा, मुझको फंसा ले या फंस जा, फंस जाएगी जाके छुप जा, मुझको फंसा ले या फंस जा। तू मेरे दिल में बस जा, मुझको फंसा ले या फंस जा, तू मेरे दिल में बस जा, मुझको फंसा ले या फंस जा। अरे मेरे राजा रा रे रा रा, बोल मेरी नीलम बहना, कुछ अता पता है कितनी लड़कियां कुंवारी से सुहागन बन रही है, आसपास कितनी शादियां हो रही है? हम लोग को बहन मत कर रहे या शादी में तंबू तोकने वाले हैं, हमें क्या मालूम क्या हो रहा है। बस अब मैं इस जिंदगी से ऊब चुकी हूँ, मुझे एक साथी की जरूरत है। अरे तू फिक्र क्यों करती है, मैं तेरे लिए ऐसी भाभी लाऊंगा। जब तू बाल धोएगी तेरे बालों में टेम्पू लगाई ली, जब तू बाल संभालेगी तेरे बालों में तू लगाई ली, जब भैया बाल जाएंगे तो तेल साथ वक्त गुजारेगी, जब तू बाल जाएगी तो फिर वो मेरे साथ वक्त गुजारेगी। शर्म नहीं आती? जवान बहन घर में बैठी है और तुम लोग अपनी शादी के बारे में सोच रहे हो। हम लोग तो ये सोचते थे कि तू भैया की शादी की बात कर ली है। ऐसे ही करते रहोगे तो देख लेना, एक दिन कोई ऐरे गहरे को पकड़ के लाऊंगी और कह दूंगी यही तुम्हारा पहनोई है। नीलम, हाँ? आज तूने मेरी आंखें खोल दी, तू देख मैं तेरे लिए कैसा दुल्हा लेके आता हूँ। तेरे देश के लिए हम लोगों को दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा? समझ गया ना? समझ गया, समझ गई, समझती नहीं यार। मेरी प्याली प्याली बहनिया बनेंगी। दिल राम राम। हाँ राम राम, राम राम। आओ बैठो भैया, हुक्म करो। चाकू बाकू में गिरवे नहीं रखता, कुछ गहने बहने लाए हो तो दियो। ये गिरवी रखने के लिए नहीं है, ये तेरे में डालने के लिए है। चल जेवर निकाल। नहीं ये जेवर तो सब दूसरे लोगों का। अरे जल्दी निकाल, ये तीन तून तल तुता है। क्या बोला? तीन खून कर चुका हूँ, निकाल नहीं तो डालता हूँ तेरे में अभी। जल्दी निकाल, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। ये लो। अरे ये देख, हार अपनी बैंड पे बहुत अच्छा लगेगा। ये तो ये देख आता है। फंटास्टिक है। ये तंदन है, तंदन। रमीना तंदन पे भी आते हैं। तू हंसू ला है? नीचे देख। कुछ भी नहीं है। कौन की तरफ? क्यों बेटे? मेरे से होशियारी? देखो भैया, इसी तरह से गहने मुझे दे दो, वरना ये चाकू चल जाएगा, तुम दोनों मारे जाओगे। मेरी माँ की? क्या? अरे ये गहने मेरी माँ की निशानी है, मैं इसको पैसे दे दूँ। ये तोल है तोल। अरे हम इसके पास जेवर गिरवी रखवाना नहीं चाहते, लेकिन ये फिर भी जबरदस्ती कर रहा है। भूमि पर पैदा होकर गधे की तरह मेहनत करके कुत्ते की तरह जीना छोड़कर लूट मार का धंधा करता है। चल बोल क्या। वाह, ये तो डायलॉग फिल्म राजा बाबू का है। अबे ये डायलॉग राजा बाबू का नहीं है, तेरे इस राजा का है। तेनो टंकी, चल फटाफट जेवर निकाल। तू तो मेरा हीरो लगता है। अच्छा? क्यों? चलो चलो फटाफट रखो रखो। लेकिन ये गहने मेरे हैं। अबे चुप, जब दो चोर एक दूसरे, मेरा मतलब है जब एक चोर और एक इंस्पेक्टर बात कर रहे हैं तो बीच में बोला नहीं करते, समझे? Excuse me. Excuse me. क्या है, क्या है? उतर दे तो। लादा तू! पुलिस! अरे भागो भागो! भागो मेरी गाड़ी! क्या हुआ? क्या हुआ? क्या? आज पहली बार एक पुलिस को देखकर पुलिस को भागते हुए देखा। पुलिस नहीं, चोर है। चोर? Let us grace them. Grace them नहीं, chase them. Okay please. चलो अरे पकड़ो उनको। अल्लाह, भाग भाग के तो पूरे बॉडी के इंजर पिंजर ढीले हो गए। लेकिन बापू अपने को तो लगता है कि इस घर में भी कोई नहीं, हाथ साफ करके खिसक जाते आप। क्या ए? ये तो पुलिस स्टेशन है। ए, रंगीला, तू मेरा पीछा कब छोड़ेगी? मैं तो तेरे लिए अपनी जान भी देने को तैयार हूँ, बस एक बार हाथ तो कह दो। ए, चल दूर। कभी आईने में अपना थोपड़ा देखा है? रोज देखती हूँ, बिल्कुल हीरोइन लगती हूँ। क्यों मेरे हीरो? ये देख, नमोते, आज फिर हाथ से निकल गया यार। तूने मेरी बात मानी होती तो आज ऐसा नहीं होता, पता है? अरे तेरी बात मानी होती पहले तो मुझे तभी से बात किया कर। अगर आज तूने मेरा थोड़ा सा भी ऑपरेशन किया होता, अरे कॉपरेशन किया होता तो मेरा प्रमोशन हो गया होता ना। प्रमोशन? मुंह देखा है इन्हें?
मैं मारू? हाथ तो लगा मच्छर। हाँ। लाला बाबू तुम कहाँ हो? मेरा लाला बाबू तो हो गया, मेरा लाला बाबू तो हो गया। ये पुलिस स्टेशन है, ये पुलिस स्टेशन है। नहीं नहीं, ये रेलवे स्टेशन है। हाँ, ये राजधानी एक्सप्रेस है और मैं कालका मेल हूँ। आओ चढ़ जाओ। मैं कल नहीं आया हूँ, मेरा लाला बाबू तो हो गए, मेरा लाला बाबू तो हो गए। अरे राजा बाबू सो गए तो हम क्या करें भाई? तो हो गया, तो हो गया। अच्छा खो गए? ये रंगीला है राजा का चमचा। तू रंगीला है? नंदू सबका बंदू। हाँ ये नंदू है, करके दिखाओ कैसे। मेरा दिल हाथों लो। राजा बाबू का नंदू। मैंने 8 बार देखी है, नंदू ही है। राजा बाबू तो ओके। अरे रो मत रो मत, मैं तेरी रिपोर्ट दर्ज करवाता हूँ। तू बैठ जा बच्चे, बैठ जा बैठ जा। क्या राजा बाबू? ठीक है विद्यार्थी, तू यहाँ बैठकर इसे कंपनी दे, मैं उसे ढूंढ लूँगा। तुम नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा। तुम उन्हें पकड़ के मेरा प्रमोशन छीनना चाहते हो? नो नो, नॉट हैपनिंग। यू आर नॉट गोइंग, आई एम गोइंग। अरे बक नो। अच्छा ठीक है, तू जा। आज अचानक मुझ पर इतना मेहरबान कैसे हो गया? जरूर कोई गड़बड़ है, मगर मैं भी तेरा बाबू हूँ। पकड़ लिया, दोनों को पकड़ लिया। अब मेरा प्रमोशन। हाँ इन्हें छोड़ दो, ये दोनों मेरे हैं। हाथ में बंदूक है, तुम्हारी पीठ है, 6 गोलियां हैं इसमें। मेरे हाथ में भी बंदूक है। कौन है? पुलिस कमिश्नर। गुड नाइट सर। क्या कमिश्नर ब्रो? गुड डे। नंदू सबका बंदू। अरे इन्हें पकड़ो। मैं क्यों पकड़ू? तू पकड़ जाके पकड़ो। मैं नहीं पकड़ता। तुम्हारे हाथ के हाथ जोड़ लो। तू पकड़ पकड़ लो प्लीज। हेलो हेलो, मैं मल्होत्रा बोल रहा हूँ, अमेरिका से। अच्छा एक मिनट, अभी जीजा जी को बुलाता हूँ। जीजा जी, जीजा जी अमेरिका से फोन है आपके लिए। तुझे कितनी मरतब मना किया, अमेरिका के फोन को हाथ मत लगाया कर। जीजू मैंने तो हिंदुस्तानी फोन ही उठाया है, अमेरिका वाला फोन तो उनके हाथ में। हेलो मैं शर्मा बोल रहा हूँ। हेलो शर्मा। हाँ हेलो, मैं अमेरिका से मल्होत्रा बोल रहा हूँ। क्या हाल है मल्होत्रा? और मैंने अचार भेजे थे, वो कैसे लगे? बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। अभी कोई और आता होगा ना तो मैं और अचार भेजूंगा। अच्छा शर्मा सुनो, कल सुबह की फ्लाइट से मेरा बेटा हिंदुस्तान आ रहा है अचार लेने के लिए। नहीं नहीं यार, इतना खर्चा करके अचार लेने के लिए क्यों भेज रहा है इंडिया? मैं भेज दूंगा यार। अचार लेने के लिए नहीं, इंडिया में उसका म्यूजिकल प्रोग्राम है। क्या मतलब? तेरा बेटा गवैया बन गया क्या? हाँ बस यही समझ लो। अच्छा शर्मा, शादी के लिए कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो दिखा देना। अरे कोई क्यों, मेरी बेटी है ना, चिराग लेके सारी दुनिया में तलाश करेगा तो ऐसी बहू नहीं मिलने वाली तुझको। तुम्हारी बेटी? अरे फैंटास्टिक शर्मा, अगर मेरे बेटे को तुम्हारी बेटी पसंद आए तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन। लेकिन एक बात याद रखना, अमेरिका में रहने के बावजूद मेरा बेटा हिंदुस्तानी रीति रिवाज और संस्कार को नहीं भूला। हाँ तो मेरी बेटी भी पुरानी फिल्मों के हीरोइनों की तरह प्योर हिंदुस्तानी है। अच्छा मैं तेरे बेटे को अपने घर में रखूंगा, तू चिंता नहीं करना। हाँ अच्छा बाय। अरे वाह बेटी बेटा, ये तो दामाद मिल गया। अरे रूपा, अरे ओ रूपा, तैयार हुई के नहीं? अरे फ्लाइट आने का टाइम हो गया, जल्दी करनी। को देखो, तुझे ड्रेस पहनने का बिल्कुल सेंस नहीं आई। नहीं क्यों, क्या बुराई है इस ड्रेस में? टिपिकल इंडियन ड्रेस है। बेबी ड्रेस भले ही इंडियन है मगर आने वाला लड़का तो अमेरिकन है। नहीं तुझे इस ड्रेस में कैसे पसंद करेगा? नहीं सर से पाव तक खुद को ढक लिया है, मेरी रूपा का रूप तो कहीं से नजर ही नहीं आता। नहीं अरे गला तक खुला नहीं छोरा कि वो मंगल सूत्र पहना सके। चरी मम्मी, मैं उसे एयरपोर्ट रिसीव करने जा रही हूँ, मंगल सूत्र पहने नहीं। अरे पापा नजर न लग गए, कितनी मासूम है नी मेरी बेबी। अरे इतना पैसा खर्चा करके अमेरिका से इंडिया शो करने के लिए बुलाया, किसके लिए? ताकि वो तुझे पसंद करे और मेरा दामाद बने, समझा करनी। अब जो ड्रेस मैं बोलूंगी वो पहन कर चल मेरे साथ। गुड बेबी है नी। अरे बेबी जल्दी चलनी, कम कम चलो, जल्दी करो जीजू, प्लेन लैंड हो चुका होगा। कम कम कम। ओहो डैड मुझे नहीं आना है। डैडी वो क्या एयरपोर्ट आके वापस जाने वाला है? वो हमारे घर में रहेगा। तो मैं उसे वहाँ मिल लेती, मुझे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? मैं चाहता हूँ वो जैसे हिंदुस्तान आए उसकी नजर सबसे पहले तुझ पे पड़े, वो तुझसे प्यार करने लगे। अगर प्यार इससे करेगा तो शादी कैसे करेगा? मुझसे करेगा, आपसे।
डैडी अगर आप मुझे इस तरह खींच कर ले जाओगे तो लोग क्या समझेंगे? क्या समझेंगे? बाप बेटी का प्यार है ये समझेंगे। अच्छा। बेटी बड़ी हुई उसका हाथ पकड़ के ले जा रहा है। नहीं गलत कहा जीजा जी, लोग ये समझेंगे कि बेटी किसी मवाली के साथ भाग रही थी इसलिए बाप उसे विदेश भेज रहा है। तेरा मुंह बातें करते हुए अच्छा नहीं लगता, फेवी गोल्ड डाल उसके अंदर। नमस्कार शर्मा जी, कैसे हैं? अच्छा हूँ जी, आप यहाँ कैसे आए? क्रिकेट खेलने आया हूँ। अरे मेरे दोस्त का बेटा अमेरिका जा रहा है, उसको लेने आया हूँ। तुम्हारे की बात समझ नहीं आती। धीरे जीजा जी, माला टूट जाएगी। अरे ये कोई मुम की माला नहीं जो टूट। माला कहाँ है? माला आपके हाथ में। अरे उल्लू के पट्टे, ये नहीं मेरी बेटी माला कहाँ है? हाँ वो कहाँ है? अरे तुम यहाँ बैठे हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। जरा इधर आओ ना। क्यों? क्योंकि मेरे बाप को दादा बनना है और मेरे मामा को। अरे दूर हटके बोलना जो कुछ बोलना है, आज मैं बहुत टेंशन में हूँ। है मेरे बाप ने अमेरिका से एक नया हीरो इंपोर्ट करके मंगवाया है। तालियां तालियां, क्योंकि नया हीरो आ रहा है इसलिए तालियां तालियां। तुम्हारी हीरोइन से शादी करने वाला है वो अमेरिकन। अच्छा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या बोला? I'm very sorry. It's all right. मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे धक्का मारा। Okay, it's all right. I'm very sorry. I said it's okay, sir. ओ मेरे राजा, मेरे गले में मंगलसूत्र डाल दे और इस माला को अपने गले से लगा ले। चल चल दूर हट, मुझे पालने का मेरे कोई शौक नहीं है। अच्छा कमाल है, मेरा धक्का आपको एक बार लगा और मैंने आपसे तीन बार सॉरी कहा लेकिन फिर भी आपने मुझे मारा। मैंने धक्का नहीं मारा सर आपको। पता नहीं क्या हो रहा है। जीजू ये तो चलते फिरते लड़कियों से टकराता है। अरे जाते जाते एक बार प्यार तो कर लो। ये अपने पास टाइम नहीं है, चल। तो फिर एक दो डजन किस तो दे दो ना। ये तो मेरे को बहुत ही करी है। चल एक घूंट दे दे। नहीं बोला एक घूंट मैं, एक घूंटू। ओ इंस्पेक्टर, कुछ कहा? मैंने कुछ नहीं कहा, तेरे कान बज रहे हैं। नमस्ते। अरे आइए ना, आइए आइए। हेलो, वेलकम टू इंडिया। माय लेडीज क्लब की प्रेसिडेंट सुंदरी मोटवानी। वरी मैंने तुम्हारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है नी। ये मेरी बेटी रूपा है, मेरी छोटी बहन जैसे लगती है नी। रूपा ये प्रेम है, प्रेम करो नी। मेरा मतलब है प्रेम से हेलो करो नी। तुमसे किस दिलवाने के लिए और क्या? अरे अगर इन लोग इधर आ जाएंगे ना तो मेरी वाट लगा देंगे। तो फिर किस दे दो ना। तुम आने की नहीं? इंस्पेक्टर जी। गुड बॉय, बड़ा फास्ट रहेंगी चक्रा। लाला मेरी तो ली ली तुमने। जीजू ये तो तुम्हें क्या करूं? अरे रोको रुको। अरे बेटा अमेरिका नहीं है, हिंदुस्तान है, ऐसे कहीं भी बुरी डाल देना चाहिए। मिस्टर मुझसे प्यार से किस करता है? अरे प्यार से। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, एक तो फोकट में लाइन में घुस गई। जीजू अरे अपनी तकदीर खराब है यार, अगर अपनी माला पहले आ जाती तो अपनी माला को मुंह में कर रहा होता यार। अरे ये तो इतना होता वाला है कि अगर आप पहले पहुंच जाते तो ये आपको। सुनने का तो क्या बोलेगा भाई? ये तो सुन रही क्या है? बेबी I'm sorry, I'm very sorry. Please understand. I'm very sorry. बेचारी को कितना बुरा लगा होगा। अरे मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा नी। अरे तुमको क्या को बुरा लगा? वो तुमको थोड़ी पपी किया उसने। बेटा वो मेरे पहचान है, मैं तेरा अंकल। अंकल आजा बेटा। अच्छा चलो चल। अरे प्रेम वो प्रेम को ले गया नी। अरे प्रेम रुको बेबी। देखिए अपनी बेटी की करतूत, मेरे सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। कितने अरमानों से उसे एयरपोर्ट लेके गया ताकि वो लड़का उसे देखे और वही पसंद कर ले। पता नहीं कहाँ गायब हो गई। बेटी किसकी है? हा? मैं बोला परदेसी परदेसी जाना। ये क्या डैडी, अब मुझे एयरपोर्ट पर छोड़कर कहाँ चले गए थे? पता है मैं कितनी घबरा गई थी। वाह ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटना हुआ।
हम तो जी छोड़ के गए थे कि ये हमको छोड़ के चली गई थी। तू बोल क्या कसूर आपका है? आपके लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है, बिल्कुल आप पर गई। खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? देखो अमेरिका वाला आया है, जा उसको कंपनी दे। कंपनी तो मैं उसे ऐसे दूंगी कि वो इंडिया छोड़कर वापस अमेरिका भाग जाएगा। सी यू दैट टाइम। ए तू कुछ गड़बड़ मत करना यार। क्या है? हाँ ठोट है। ए बैंड मास्टर, अमेरिका वालों ने नाचने गाने का चांस नहीं दिया तो इंडिया का टिकट कटवा लिया। तेरी यहाँ दाल नहीं गलने वाली, चल वापस जा। ओ मेरे राजा, तुमने तो कमाल कर दिया। कितनी जल्दी उस अमेरिका वाले को कल्टी करके मेरे बेडरूम तक पहुंच गए। ओ माय लवर, यू आर सो क्लेवर। देखिए देखिए, मैं आपका लवर नहीं हूँ, प्लीज रखिए। अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला? क्या हुआ? ये कौन है? ये मेरी बहन की बेटी है। ये आपकी क्या लगती है? ये मेरी बहन के पति लगते हैं। घर जा, मुझे भी तो बोले थे ये मेरी बेटी माला है। मुझे माफ कर दीजिए मेरे प्राणनाथ, सॉरी मेरे जन्मदाता, मेरे पालनहारा। कौन? माय फादर। मैंने अपने तन मन धन से इन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। हाय जीजू, ये अचानक स्टार टीवी में से दूरदर्शन कैसे हो गई? दामा जी, ये तुमने कौन सा बटन दबा दिया? अचानक चैनल चेंज हो गया एकदम। देखिए मैं कोई दामाद दामाद नहीं, मैं प्रेम हूँ, प्रेम मल्होत्रा। जीजू ये आपका दामाद नहीं बन सकता। मैंने तेरे को पूछा था? नहीं बोलूंगा, हमेशा बोलता हूँ और डांट पड़ती है। हेलो हेलो, सुंदरी स्पीकिंग, मैं सुंदरी बोल रही हूँ। नहीं हेलो, हाउ आर यू? मैं प्रेम बोल रहा हूँ। आपने प्रोग्राम कितने बजे का फिक्स किया है? 6 बजे का है, लेकिन तुम शार्प 7 बजे पहुंच जाना। 7 बजे क्यों? ये इंडियन पंचालिटी है नी, इंडिया में टाइम से आने वाले की कोई वैल्यू नहीं होती। देर से आने वाले को स्टार समझा जाता है। जी नहीं, मैं 5 बजे पहुंच जाऊंगा और ठीक 6 बजे शो शुरू कर दूंगा। लंदन की लड़की नाना, अमरीकन गोरी नाना, लंकन की छोरी नाना, पारस की पोरी नाना, इंडिया आहा, नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट। यहाँ की लड़की बाबा, बदन पे साड़ी बाबा, माथे पे बिंदिया बाबा, कानों में बाली बाबा, पैरों में पायल बाबा, होठों पे लाली बाबा, हाय भोली भाली बाबा, हाय शर्मीली बाबा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। गुलशन जादू, यहाँ का जीवन जादू, बिरला टाटा बाबा, यहाँ का आटा बाबा, जूतों में बाटा बाबा, लड़की का चाटा बाबा, सचिन की बैटिंग बाबा, बच्चन की एक्टिंग बाबा, सुनील गावस्कर बाबा, कपिल द सिक्सर बाबा, लता मंगेशकर बाबा, जाकिर का तबला बाबा, भारतनाट्यम बाबा, यहाँ का भंगड़ा बाबा, यहाँ की लावणी बाबा,
हाँ यहाँ का डांडिया वाह सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट जीते हैं मस्त होके मस्ती में लोग सारे जो है मजा यहाँ पे वो ना मजा कहीं पे यहाँ की ईद बाबा यहाँ दिवाली बाबा यहाँ की होली बाबा दुल्हन की डोली बाबा चनिया चोली बाबा मीठी बोली बाबा North, South, East or West India is the best the land of culture the land of dreams this is the land of you and me राजे शिवाजी बाबा अकबर बादशाह बाबा महात्मा गांधी बाबा चाचा नेहरू बाबा बाबा अंबेडकर बाबा मदर टेरेसा बाबा We're taking it up and we're taking it down this is the Indian sound together so strong in God we trust yeah you cannot beat us ताज महल बाबा चार मीनार बाबा आम का अचार बाबा यहाँ का प्यार बाबा ऐश्वर्य राय बाबा सुष्मिता सेन बाबा ऑल इंडिया रेडियो बाबा डीडी मेट्रो बाबा दूरदर्शन बाबा यहाँ की आर्मी बाबा यहाँ की नेवी बाबा So come on everybody in India come on now you know I'm telling you come on everybody in India come on welcome to India सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा हमारा ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट कम ऑन लेट मी हियर यू से I-N-D-I-A कम ऑन एवरीबॉडी से I-N-D-I-A इंडिया वी लव यू इंडिया फॉर मी एंड यू इंडिया फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप इंडिया इंडिया यू कैन नॉट स्टॉप इंडिया Let me see your smile, India. I love that style. India is happening now. India, India, we are so proud. मुझे ताऊ कहते हैं मैं टाइगर का गुरु हूं यहां आने का तुम्हारा मकसद कुछ खास बात नहीं है इंस्पेक्टर मेरे कुछ 100 ट्रक्स के करीब चलते हैं जिनका काम हशीश गांजा और ड्रग्स को लाना और ले जाना है चौंकने की जरूरत नहीं यहाँ सब पुलिस वाले जानते हैं मगर चुपचाप रहते हैं बैठो तो हाँ इंस्पेक्टर सरकार आपको कुछ 5,000 रुपए के करीब तनख्वाह देती होगी मगर मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा और हाँ आप जैसे अच्छे गेस्टों के लिए मेरा गेस्ट हाउस हमेशा खुला रहता है थैंक यू वेरी मच मैं भी आप ही के टाइप का आदमी हूँ अच्छा जितना काम करता हूँ उतनी ही पगार लेता हूँ वैसे आप जैसे गेस्टों के लिए मेरे पास एक छोटा सा गेस्ट हाउस अंदर है मेरी 9 ट्रांसफर हो चुकी है और 10वीं के लिए मैं तैयार हूँ देखो बच्चे जितनी तुम्हारी उम्र है ना उससे कई ज्यादा तजर्बा है मुझे अब मेरी बात गौर से सुनो और उसको समझने की कोशिश करो जितने ट्रक्स तुमने पकड़े हैं ना उन्हें छोड़ दो इसी में भलाई है तुम्हारी
और अगर नहीं छोड़ा तो अपने बीवी बच्चों का ख्याल तो करो इंस्पेक्टर। तुम जैसे लोगों की धमकी मुझ पर असर ना करे, इसलिए अभी तक मैंने शादी नहीं की। आ रा 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 रा। अभी तक शादी नहीं की, यानी मरने के बाद पीछे रोने वाला कोई भी नहीं है। टाइगर, भगवान इसका भला कर। दीजिए। हाय बेबी। क्या नाम साहब? हैं? एक समोसा ले क्या? अभी लाया। क्या हो रहा है मैडम? बहुत अच्छी घड़ी है। कितने की है? ये 4,500 की। समोसा मांगा था, बटाटा वड़ा लेके आया। चल। अरे क्या साहब, अभी अभी बोला अच्छी घड़ी यार, फिर फेंक दी। पता नहीं क्या हो गया मुझे। अरे रूपा जी आप आए। चलती है क्या? रूपा जी, अरे रूपा जी, अब तेरे को क्या हुआ? मुझे बचा लीजिए, छोड़ो मुझे। चल छोड़े से, तेरी क्या लगती है बे? अपनी पता नहीं क्या लगती है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये तेरी बहन जरूर लगती है। चल के बाहर। वाह बिलू, क्या जोर का फटका मारा मेरे को। चलता हूँ। नहीं नहीं, तूने कुछ कहा? तूने कुछ कहा? नहीं तो मैंने भी कुछ नहीं कहा। तू मेरे लिए बाहर से पान लेकर आ। अरे मगर अच्छा ठीक है, मैं बाहर से पान लेकर आता हूँ, तू ऊपर बैठ के चाय पीना। हाँ ऊपर ही जा रहा हूँ। ओके बाय। अरे हवलदार, पकड़ लिया। मेरे को क्या को पकड़ रहा? उसको पकड़ना, वो गुंडा है। सबसे बड़ा गुंडा तो तू है, और तेरे को ही पकड़ के तो मेरी प्रमोशन होने वाली है। ये ले। मार मार मार। क्यों? ओह माय गॉड, मैंने पुलिस इंस्पेक्टर को कैसे मार दिया? अब तो पुलिस केस बन जाएगा। अमेरिकन लड़के भी बड़े फास्ट होते हैं नी। उस दिन एयरपोर्ट पर पकड़ कर किस कर दिया, आज पता नहीं क्या कर दिया नी, जो गोदी में उठा कर लाया है नी। अरे बाबा घर आ गया, अब तो नीचे उतारनी। ये उतारने लायक नहीं है। लॉटी बॉय, ऐसा तुमने क्या कर दिया नी? ये बेहोश हो गई। बेहोश? हाँ। इस तरफ क्या होगा? नहीं नहीं, इस तरफ क्या होगा? अच्छा तू ढूंढ, मैं घर जाता हूँ। नहीं नहीं, तू ढूंढ, मैं घर जाता हूँ। अरे अरे दामाद जी, अरे ससुर जी, ससुर जी। बेटा मगर एक बात समझ में नहीं आई, गेट था तो ये ऐसा उल्टा होकर आने की अपनी आदत है जंपिंग बचपन से। मजे मतलब आप तो बोलते थे गाने का भी शौक है, अमेरिका में तो बड़ा लॉन है, मेरे पे लोड नहीं लेने का क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी। मेरे को यहाँ कभी कभी दर्द होता है। चल अपन अंदर चल के बात करेंगे। उधर अंदर जाने से तो इधर अंदर जाना अच्छा है। ए बड़ा रुक। बेबी बेबी, ये बहुत सीधा है नी, मुझे बताने में शर्म आता है।
तू ही बता ना, इसने तेरे साथ क्या किया जो तुम बेहोश हो गई? मम्मी गुंडा। मैं गुंडा? नहीं आप नहीं, वो गुंडा जिसे आपने मारा। मैंने मारा? मम्मी एक बहुत खतरनाक गुंडे ने मुझे पकड़ लिया और इन्होंने उसे ऐसा मारा मार मार के उसका भुर्ता बना दिया। बेटा तुम फाइट करके थक गया होगा नी, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम पापड़ और ठंडी ठंडी बियर लाऊं। नो थैंक यू, मैं सिर्फ दूध पीता हूँ। ये लीजिए दूध पी लीजिए। चले भाई से दूध देना है तो जाके जोगेश्वरी के तबेले में दे के आया, इधर क्या दे रहा है? नहीं नहीं, ये दूध तो आपको पीना ही पड़ेगा। आइला हट गई ले क्या? क्यों और नहीं तो क्या, हाथ में ग्लास नहीं और दूध देने जा रहे हो? उल्लू का पठा दो दो इला। देख अपने को दूध और दही हजम नहीं होता है तो क्या हजम होता है? अपन अपनी खुराक खुद ढूंढ लेता है। मिसाल के तौर पर ये देख इधर है जीजू, मैं यहाँ हूँ। ये मुझे रॉन्ग नंबर लग रहा है। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। और मैं व्हाट अ थ्रो, ये रॉन्ग नंबर है। उसने ऊपर का ढक्कन मारा है, मैं नीचे की बाटली खींच के मारूंगा। ये लीजिए। हाँ प्योर एकदम। क्या आपने इसमें कुछ मिलाया है? दूध वाले ने पानी और हमने शक्कर। अच्छा फिर ये इतना स्ट्रॉन्ग क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने शराब पी हो, नशा सा चढ़ रहा है? आदि बाबा रूपा के हाथ से पियोगे तो नशा होगा ही, पियो नी और पियो नी। चलती है क्या नाम से बारा? इश रूपा क्या हुआ मम्मी? इसको दूध का नशा कुछ ज्यादा ही हो गया है, कितने जोर से मारा है नहीं मुझे। क्यों इसे ले जा जल्दी से ले जा। नहीं दावा जी आपने इसे यहाँ क्यों मारा? ये तेरी बीवी है क्या? नहीं नहीं ये हमारे घर की नौकरानी है। तो फिर इसको इतनी जलन क्यों हो रही है? इसका कोई चक्कर का चल रहा है? जी जी जीज आप इसे बेटी देने के चक्कर में और ये नौकरानी के चक्कर में, लेकिन अभी भी घूर रहा है। क्या करते हैं दामा जी, ये नौकरानी है, मेरी बेटी ऊपर बेडरूम में। आपकी बेटी बेडरूम में? मेरी हाँ हीरो। ओ हीरोइन। तेरा डैडी बहुत फंटास्टिक आदमी है लेकिन अपने से थोड़ा कम क्या चल? जी जाओ। एक शब्द ही निकाला ना तो पैर मुंह में डाल के छह महीने तक ऐसी खड़ा रहूंगा। जा बेटा जा। ऊंची है बिल्डिंग, अरे लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं दिल रदा मन है। ऊंची है बिल्डिंग, ए लिफ्ट तेरी बंद है, हाँ कैसे मैं आऊं और दिल रदा मन है। आजा 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 बैंड बाजा लेके आजा, तेरी याद सताए तुम्हें राजा तो आजा। आजा 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 बैंड बाजा लेके आजा, तेरी याद सताए तुम्हें राजा तो आजा। कैसे ऊंची है बिल्डिंग, अरे लिफ्ट तेरी बंद है, हाँ कैसे मैं आऊं दिल रदा मंद है। Thank you.
तूफान है, मुश्किल में जान है, आना मैं चाहूं दिल बेईमान है, ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है, हाँ कैसे मैं आऊं दिल रजामंद है, आजा 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 बैंड बाजा लेके आजा तेरी याद सताए दूल्हे राजा, अब तो आजा 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 बैंड बाजा लेके आजा तेरी याद सताए दूल्हे राजा, अब तो आजा ना, ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है, हाँ कैसे मैं आऊं दिल रजामंद है, तू आगे आगे मैं पीछे पीछे, हो चुंबक की तरह मुझको तू खींचे, कहाँ जा रहा है अखियों को मीचे, साइकिल के आएगा नीचे उतनी है दूर तू जितनी करीब है, आंख मारती है आए लड़की अजीब है, मुंबई बंद है ट्रेन नहीं चलती, कैसे मैं आऊं दिल रजामंद है, बिजली नहीं है और बत्ती भी गुल है, कैसे मैं आऊं दिल रजामंद है, दिल रजामंद है, दिल रजामंद है, दिल रजामंद है, आजा 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 बैंड बाजा लेके आजा तेरी याद सताए दूल्हे राजा, अब तो आजा 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 बैंड बाजा लेके आजा तेरी याद सताए दूल्हे राजा, अब तो आजा आजा। बच्चे, टाइगर ने तुम्हारी मौत का मुहूर्त निकाला है, सिर्फ नारियल तोड़ने की देरी है। ताऊ, गांधी जी ने क्या कहा था? बुरा मत देखो और बुरा मत कहो, और भी कुछ कहा था ताऊ? बुरा मत सुनो। सुना तूने? अब तो यहाँ ना कोई कुछ देखेगा, ना ही कोई कुछ कहेगा और ना ही कोई कुछ बोलेगा। इस तरह की ऊंची की कुछ देखा तुमने? मरने वाले की चीख सुनी? हाँ सुनी। जो देखा जो सुना वो किसी से कहेगी? अदालत में कहूंगी। अच्छा, अपने पिता की मृत्यु के बाद हर साल उनकी बरसी पर हजारों भिक्षुओं को अन्नदान देते हैं, लेकिन श्राद्ध करके पिंडदान दिए बिना यह पितृ को नहीं पहुंचता है, इसलिए कम से कम आज इस श्राद्ध का कार्य पूरा कर लीजिए। नहीं,
नहीं पंडित जी, जब तक मैं अपने पिता के हत्यारे के खून के साथ अपने हाथ नहीं रंगूंगा तब तक श्राद्ध कार्य पूरा नहीं होगा। लड़की पे हाथ उठाता है, नाम टाइगर और हरकतें कुत्तों जैसी। चल उठ लुके उठ। गांधी जी ने क्या कहा था, बुरा मत देखो लेकिन इस कमीने को मार खाते हुए देखना कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए सब इसे मार खाते हुए देखो। और क्या कहा था गांधी जी ने ताऊ, बुरा मत सुनो। लेकिन इस कमीने की चीखें सुनना कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए सब इसकी चीखें धड़क सुनो। बुरा मत कहो, ये भी कहा था। पहचाना नहीं तुम्हारा टोनी, छोटा सा बच्चा। टोनी, तू इतने साल किधर था नी? सिंगापुर में, the beautiful country। सिंगापुर? उधर क्या करता था नी? आंटी बहुत सारा काम करता था। आंटी तुमको मालूम सिंगापुर का टॉयलेट दुनिया भर में सफाई के लिए मशहूर है, और जानते हो किसकी वजह से? टोनी की वजह से। तो सिंगापुर जाके जमादार बन गया नी? ची 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 ची, हिंदुस्तानी लोग कितना गंदा होता है, कहीं भी थूक देता है, कुछ भी करता है, लेकिन टोनी का ये झाड़ू हमेशा सफाई के लिए मशहूर है। एनी आंटी, हमारा होने वाला बीबी कहाँ है? तेरा होने वाला बीबी? आई मीन रूपा। तूने कैसे सोच लिया कि मैं तेरी शादी रूपा से करूंगी? आई थी जो मिस्टेक है आंटी, अंकल ने मरते समय कहा था तुम्हारा शादी कर लेना। चरिया, वो तो मुझसे कहा था दूसरी शादी कर लेना, जब मैंने नहीं की तो तेरी शादी कहाँ से करूंगी? और मैं रूपा की शादी तो उस प्रेम से करूंगी। सिंगापुर में आईना नहीं है क्या? शक्ल देखिए अपनी, शादी करेगा तो? रूपा तुम भी मुझे ठुकरा रही हो, मैं सफाई बहुत अच्छी करता हूँ। और याद रखना, जिससे तुम शादी करोगी उसे मैं दुनिया से साफ कर दूंगा। कौन है वो? डांस में माइकल जैक्सन, और दिखने में जैकी श्रॉफ, और लड़ने में जैकी चैन। We'll be right back.
जाना तेरा जाना मेरे दिल में समाना मेरा दिल तेरा हो गया। तूने मुझे मुझे देखा मैंने तुझे तुझे देखा मेरा दिल तेरा हो गया। तेरा आना तेरा जाना मेरे दिल में समाना मेरा दिल तेरा हो गया। तूने मुझे मुझे देखा मैंने तुझे तुझे देखा मेरा दिल तेरा हो गया। तेरा आना तेरा जाना मेरे दिल में समाना मेरा दिल तेरा हो गया। तुझे देखा मैंने जब मेरे चेहरे से क्यों आँख हटती नहीं तुझे देखूं जितना प्यास मिटती नहीं। पहला पहला प्यार है ये दिल बेकरार है तेरा इंतजार है सनम सनम सनम। तेरा आना तेरा जाना मेरे दिल में समाना मेरा दिल तेरा हो गया। तूने मुझे मुझे देखा मैंने तुझे तुझे देखा मेरा दिल तेरा हो गया। तेरा आना तेरा जाना मेरे दिल में समाना मेरा दिल तेरा हो गया। अर्जी में ये तेरी मर्जी है क्या मेरी मर्जी है ये तेरे दिल में रहूं। बस कहना था ये तुझे और क्या कहूँ। पहला पहला प्यार है ये दिल बेकरार है तेरा इंतजार है सनम सनम सनम। तेरा आना तेरा जाना मेरे दिल में समाना मेरा दिल तेरा हो गया। तूने मुझे मुझे देखा मैंने तुझे तुझे देखा मेरा दिल तेरा हो गया। तेरा आना तेरा जाना मेरे दिल में समाना मेरा दिल तेरा हो गया। सिंगापुर से टोनी आया है वो मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाह रहा है। अच्छा अच्छा क्या अगर वो जबरदस्ती करेगा तो तुम कुछ नहीं करोगे? मैं क्या करूंगा? तुम्हें उसके साथ फाइट करना होगा उसे मारना होगा। मैंने जिंदगी में मच्छर तक नहीं मारा उसे कैसे मारूंगा। आ बैठ। अब इधर आएगे तो कुछ खा लेते। ए वेटर। यस सर। जी सर। ये आप लोग को इंग्लिश पढ़ने को नहीं आता है? तू बता। चिकन शाहजानी मटन शाहजानी चिकन फ्राई मटन फ्राई चिकन बिरयानी मटन बिरयानी। भजिया क्या? भजिया दो प्लेट भजिया लेके आ। राइट सर अभी लेके आता हूँ। अच्छा सुनो एक लेमिनेट भी लेके आ और एक चाय कटिंग। यस सर। ऐसी क्या देख रही चमक छल्ल? मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। बोल कब शादी करेगा? शादी पहले अपनी बहन की तो शादी हो जान दे उसके बाद। क्या तुम्हारी बहन भी है? अरे बहन अरे वो तो अपनी सब कुछ है जान जिगर सब कुछ। अच्छा? तो अपन ने एक मस्त छोकरा भी देखा है। अरे पहले उसकी शादी हो जान दे उसके बाद अपन दोनों। ये रहा आपका भजिया। सैंडविच के लिए कहा था भजिया। व्हाट इज दिस? टोनी आया। हाय हेलो टोनी। ऑर्डर का भजिया मारा मुंह में। भजिया की कोई कदर नहीं इसको। अभी जाकर देखता हूँ। तुम इधर ही रुक। अरे राजा कहाँ जा रहे हो? तो तुम हो छोड़ दो इसे। मुझसे क्यों झगड़ना चाहते हैं?
क्योंकि तुम मेरे और रूपा के बीच में एक दीवार हो, और जब तक तुम जिंदा हो मेरी रूपा की शादी नहीं हो सकती, समझे? आप मुझे मारना चाहते हैं? यस। आप मुझे मारना चाहते हैं? ऑफ कोर्स। आप मुझे मारोगे? यस। उधर देखिए। व्हाट? सुसवे बेटा। ए ए ए मेरी भाई। ये अपन को लुक्का समझता है क्या? वजह फेंक देता है, और वो भी मुंह में। चल दूसरी प्लेट क्यों लाओ कर। किधर जाता था? अबे खस के लिए एड़ा हो गया क्या? एड़ा बोलता है? ये I'm sorry। अबे पागल खाने से आया क्या? पागल खाना नहीं, हम सिंगापुर से आया। सिंगापुर? अरे सिंगापुर से आया तो मेरे को धक्का क्या मार रहा है? हम तुम कब आता? अबे लगती है गेंडे। लगता है? सर लगी तो नहीं सर। अरे तुम्हें तो फाइट करने का बहुत शौक है, अब छोड़ दे इसे। अरे पहले इसको तो पूछ, इससे पहले क्यों मारा? अभी चलो ना। एक पुलिस इंचार्ज। चलो। सॉरी यार, सॉरी। हाथ मिलाओ। हा? तुमने तो कमाल कर दिया, बिना पासपोर्ट के सिंगापुर भेज दिया। मैंने कुछ नहीं किया। चलो बनो मत। चलो ना। बेटे उस लड़की ने अदालत में तुम्हारे खिलाफ गवाही देने का फैसला कर लिया है। अगर वो लड़की अदालत तक पहुंच गई तो? वो लड़की और उसका भाई अदालत तक नहीं पहुंचने चाहिए। सोचो सोचो ताऊ, कुछ सोचो। भाभी तेरी बहना को मारना। चल हाथ, मुझको तैयार होने दे, मुझको तैयार होने दे यार। लड़के वाले आते होंगे, तैयार होने दे। अच्छा तू बताओ कैसा दिख रहा हूँ? बहुत छोटे लग रहा है, है? तुम लोग तो ऐसे तैयार हो रहे हो जैसे दूल्हा तुम लोगों को बनना है। लड़के वाले आ गए होंगे, मैं नीलम को तैयार करती हूँ, तुम लोग उनका ख्याल रखना। हाँ चलो जाओ जल्दी। ठीक है ठीक है। सुन नीलम की तारीफ ही करना चाहता हूँ। मैं तारीफ ही करूंगा, मेरी बहन है। नीलम लाखों में एक नहीं करोड़ों में एक है। हाँ नहीं, नहीं। रतन की दुकान में तो औलते लाइन में तू ना तली हो, तक्का मक्का मार के तब तक आगे पहुंच जाती है। तेल आटा घी सब टाइम पे घर पे लेके आती है। बीएसटी बस को पकड़ने का वक्त इतनी तो मिलना चाहिए, पता बस रुके ना रुके वो दौड़ के पकड़ लेती है। रात को पिस्टल का शो देख कर आराम से घर में पहुंच जाती है। उसे कोई झेल नहीं सकता था, बहुत स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग। वो तो लकी मैन हुआ, वो तो टर्ली शॉट। क्या क्या लड़की मिली तुम तो? अरे भाई जिसकी इतनी तारीफ कर रहे हो जरा उसे तो बुलाओ, हम भी तो देखें। इस विशेष कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है नीलम, देखिए और पसंद कीजिए। क्या तूल तूल के देख रहा है? लोग तो ये बोलेंगे क्या तोने जैसी ताऊ मिली है। जी ताऊ बहू। बहू सच में बहुत सुंदर है। अच्छा दूल्हे राजा ये बताओ कोई दहेज वहेज का कोई लफड़ाफड़ा तो नहीं ना? जी दहेज दहेज में हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 50 किलो सोना चाहिए। 50 किलो सोना? क्या है कि सोने जैसे बहू का वजन भी तो 50 किलो होगा ना। मैं तो तोड़ने लग गया था कि 50 किलो तोने के लिए हमें तोने की दुकानों के कितने ताले तोड़ने पड़ेंगे। खरीदारी करनी पड़ेगी, खरीदारी। ताली, अच्छा, ताली, ताली, अच्छा, ताली। हमें तुम्हारी बहन पसंद है। तो नीलम को भी आपका लड़का पसंद है? क्यों नीलम बोलना। काम करते हैं, ताली की ताली को तू बोलना। क्या वो ये कह रहा है कि शादी की ताली मेरा मतलब तारीख पक्की कर दी है ना आंटी? चल ताम का पाउंड तो आता मैं लगा देता हूँ। सही है सही है सही है।
ये लाइट कैसे चली गई? चली गई, अब मेरी सुहागरात का क्या होगा? पहले लाइट को तो आ जाने दो। तुम्हें तक नहीं आएगी, नाके का ट्रांजिस्टर धस गया। ट्रांजिस्टर? ट्रांसफॉर्मर। हाँ। कोई बात नहीं, दुल्हन को जरा जल्दी अंदर भेज दीजिए। हाँ 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 हाँ। चलता है, तूले राजा बहुत अर्जेंट में है। आओ मेरी डार्लिंग, मेरी बाहों में आ जाओ, आ जाओ। चले, सुबह सुबह बांबू में फूंक मारना बंद कर और ये ले। ए, टाइगर तुम्हारे घर भीख लेने नहीं आया है, तुम्हारे घर में इसका पालतू कुत्ता है, उसे देखने आया है। टामे, टामे। सरकार आ? हाँ सरकार। टॉमी जी, ये मेरे पैर देख। अरे ये तो गंदे हो गए, अभी साफ कर देता हूँ। टॉमी जी सरकार, तुम्हारी बीवी यानी इसकी बहन ने मेरे मन की शांति छीन ली है। कोई बात नहीं सरकार, मैं इसकी बहन की शांति छीन लूंगा। तुम्हारी बीवी की वजह से उसके भाई ने मुझे पब्लिक में जलील किया था, उसके लिए तो क्या करेगा सरकार, मैं इसकी बहन को जलील कर दूंगा। बोल, क्या अब भी तू अपनी बहन को अदालत में भिजवा कर मेरे खिलाफ गवाही दिलवाएगा? ये कौन होता है साला, इसकी बहन तो मेरी बीवी है, मैं अभी बाहर बुलाता हूँ सरकार। अरे जरा सुनो तो, जरा बाहर तो आना। सुशीला तुम? कौन है ये लड़की? सरकार वो तुम्हारे टॉमी की तिमी है। क्या बकते हो? त्यो हवा निकल गई ना, शादी के टाइम हम लोगों ने तोली थी हेला पिल्ली की, इसको ऐसे गुंगा डाल कर मंडप में बेच दिया, और सुहागरात के टाइम हमने बत्ती को तुल कर दिया, इसको इसके कमरे में बेच दिया। त्यो इस कुत्ते ने बहुत बड़ी गलती की ना, एक लापा मार लू इसको। मार से हमारी दीदी और दीदा दी तो उदल है। सरकार इनकी दादी तो हम लोगों ने इस कमीने की दादी से पहले चल दी थी। टाइगर, आज तेरा खेल खत्म हो गया, अब हमारी मुलाकात अदालत में होगी। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि टाइगर वल्द रतन लाल ने इंस्पेक्टर शर्मा का खून किया है, लिहाजा यह अदालत मुजरिम टाइगर को दफा 300 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है। टू बी हैंग टिल डेथ। कैसे हो यार, कैसे हो? कैसे हो यार? इट्स सो गुड टू सी यू। तो बाल है? हाँ यार, बस बिल्कुल ठीक ठाक। वैसे भी यार, वतन लौटने की खुशी कुछ कुछ निराली होती है। दोस्त, वो तो है। मुद्दतों बाद लौट रहे यार। भाभी कैसी है? क्या बताऊं यार, परसों पहले जो इनके साथ हादसा हुआ था तब से जिंदा लाश है, रोज दवा खिला खिला कर बेजान सी जिंदगी जी रहा हूँ। अरे फिक्र मत कर यार, उसके दर पे देर है, अंधेर नहीं। शील गो लाइट। कौन है ये बुढ़ा जो तुम्हारे बाप होने की एक्टिंग कर रहा है? ये सच में मेरी डैडी है। तुम भी एक्टिंग छोड़ दो। वाह, अपनी माँ को क्या परफेक्ट ट्रेनिंग ला कर लाए हो, क्या नेचुरल एक्टिंग कर रही है। टू गुड, हाँ टू गुड। माला बेटी, हाँ आंटी को बेडरूम में ले जाओ। जी चलिए। हाँ मल्होत्रा, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। क्यों, तुम मुझसे झगड़ना चाहते हो? बिल्कुल, दोस्ती खत्म, रिश्तेदारी शुरू, तू मेरा समझी। अरे ये तो खुशी की बात है। की खुशी की बात है, दुख की बात है। दहेज नहीं लेगा तू मुझसे? अरे नहीं शर्मा, मैं दहेज नहीं लूंगा यार। एक बात बता शर्मा, मेरा बेटा राजी हो गया? राजी? अरे उसने तो मोहब्बत के गाने भी गा लिए। अच्छा गा था तेरा बेटा, ले आ गया। प्रेम, तुम माला से प्यार करते हो? प्यार? डैडी ये तो नफरत के भी काबिल नहीं है। चल चल, मुझे मालूम है तुम अच्छी एक्टिंग कर लेते हो, अब शादी के लिए हाँ भी कर दो। चलो शादी, और इससे नहीं डैडी। ए बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, हाँ अब अमेरिका से आने की एक्टिंग छोड़ दे और बता दे। लेकिन बेटा हम तो अमेरिका से ही आए हैं। अच्छा अमेरिका से आए हो या फेरी से? शाने शर्मा, बेटा इसे टाई नहीं पकड़ते, चाय गोली हो, ये मल्होत्रा है प्रेम के पिताजी, इन्होंने सच में अमेरिका से आए हैं। ओ मेरे भोले डैडी,
आप भी इस फ्रॉड की बातों में आ गए? फ्रॉड तू ठहर ना यार, ये धारावी का रहने वाला एक नामी चोर है और ये भी वही के चोरों चक्के है। अगर आपको पता चल जाता तो आप शादी से इनकार कर देते, इसीलिए ये नकली माँ बाप को लेकर आया है। अरे यार तू दो मिनट ठहरेगा? अरे यार कब तक? अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं इसकी बहन को भी लेकर आऊँ। बेटी मुझे लगता है तेरा स्क्रू ढीला नहीं हुआ, स्क्रू गिर गया तेरा। आपको बोल रही हूँ, मेरी बात तो मानिए। डैडी अगर हम लोग यहाँ थोड़ी देर रुके ना तो हम लोग भी पागल हो जाएंगे। मैं राइट शर्मा, क्या तेरी बेटी पागलपन के लास्ट स्टेज पर पहुंच चुकी है, इसे फौरन अस्पताल ले जाओ। कुछ ऐसा कभी हुआ नहीं। तू मल्होत्रा मेरी बात तो सुन यार। चीजू आज देखते हो उस अमेरिकन औलाद को, आज जिसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ए बेटा पैदा हुआ था? ओहो गुरु वो देख गाड़ी में बैग रख के चला गया। अरे ऐसे लोगों पे तो अपना धंधा चलता है, बहुत बड़ा खजूर होएगा। जा लेके आ। मैं बैग ले आया। आप हैं कौन? हैं? ऐसे वक्त पे मदद नहीं चलते हैं, चोली का माल है। चल भाग। देखिए मैं पुलिस को बुलाऊंगा। हाँ तू पागल तो नहीं हो गया? अरे तूने बोला गाड़ी से बैग लेके आ, मैं ले आया। चल निकल। अच्छा अच्छा देखिए जहाँ से आपने बैग उठाया वहाँ पे जाके वापस रख दीजिए। हाँ वापस रख दूँ? अरे तू वापस लाने के लिए बोलेगा ना तो मेरा दिमाग घूम जाएगा। वापस रख दूँ? पागल हो गया है। बैग किधर है? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं पूछ रहा हूँ बैग किधर है? पहले बोलता गाड़ी से बैग लेके आ, मैं गाड़ी से बैग लेके आ, फिर बोलता गाड़ी के अंदर बैग रख गया, मैं रख गया। आप पूछता बैग किधर है? अरे बोलना, डर गया, हिम्मत नहीं बैग लेके आने को। हिम्मत नहीं है, मैं डर गया। तू जा तू जा। ये देख कैसे सड़काता हूँ। बुरा राजा जाओ चुप चुप। विद्यार्थी गुरु थैंक गॉड तुम जिंदा हो। ओ माय गॉड टोनी, ओके क्या जगह पे आ गया? बहुत जोर से यूं कहूँ। किधर से चुरा के आए रे? आप वही होने जिसने रेस्टोरेंट में फाइट किया था? हाँ हाँ राजा। लेकिन तू कौन? प्रेम, प्रेम मल्होत्रा, अमेरिका से। अच्छा अच्छा तो तू अमेरिका वाला है? तेरे चक्कर में माला के बाप ने मुझसे कहा आइए जी खाइए जी जमाई जी। ये तेरा वो सिंगापुर वाले के साथ टेंशन क्या है? नहीं नहीं तेरे चक्कर में वो दो बार मुझ पे अटैक भी कर चुका है और आज तो बम भी फोड़ा। बम भी फोड़ा? राजा जी वो मुझे मारना चाहता है क्योंकि मैं रूपा से प्यार करता हूँ ना, और वो रूपा से शादी करना चाहता है। ए, अपने को उस लफड़े में बिल्कुल नहीं डालना। उसको अब भी जाके बोल के तू तू है और मैं हूँ। अगर मैंने सच्चाई बता दी तो आपकी शादी खतरे में पड़ जाएगी। कैसे? क्योंकि शर्मा अंकल माला से आपकी शादी मुझे समझ कर रहे हैं, और अगर मैंने असलियत बता दी तो चल माला तेरी बात में दम है लेकिन अपनी अपनी पोटियों से नहीं छुपाएंगे, समझा? तो ठीक है मैं जाके माला को लेके आता हूँ और आप जाके रूपा को लेके आओ। ये तू मेरी वाली को ले लो, काय को जाएगा? क्योंकि मेरी वाली के पास वो सिंगापुर वाला है ना टोनी। अच्छा चल ठीक है मैं तेरी वाली को लेके आता हूँ, लेकिन मेरी वाली से दूर है ना, उसको चिपकने की बहुत आदत है। मैं जाऊँ? जा मैं आप वाली को लेने जाऊँ?
जाना? आप कहते तो नहीं जाता। ये जाता है, बजाओ कान के नीचे। अच्छा मैं जाता हूँ। आइला टेढ़ा है क्या? आगे बाबा कौन आया है? प्रेम जी। रूप प्रेम रूप प्रेम रूप प्रेम रूप रूप रूप। क्या हुआ मम्मी? अरे जल्दी अच्छा जल्दी अच्छा छोड़नी। आइला टोयोटा तू कौन तुझे मायला? प्रेम रूप प्रेम रूपा आपा आपा रूपा कैसी तू मेरी चमक छल्लो? चमक छल्लो? किस तरह की बातें कर रहे हो? ए अपन तो ऐसे ही बात करता है। चल गार्डन घूमने को चलते हैं। अरे वाह सुट्टा है नहीं आरी फाइन नहीं। ओह यस आंटी वेरी फाइन 100 रुपी कट फाइन 1 month इन सेंट्रल जेल। तू कैसे कुंडे चिल लेती है? चल घूमने सेंट्रल जेल चूल्हा लाल बंद। तू कुछ नहीं खाना आज के बाद में। एक बात सुन ले मेरी उससे। गुड मॉर्निंग जी, माला जी हैं? जीजा जी, माला जी। अभी माला से क्या काम है? उसे पागल खाने ले जाना है क्या? पागल खाने नहीं, गार्डन ले जाना है। उसने बुलाया है। क्या? उसने मेरा मतलब है कि उसने मतलब ये अपने दिल की बात कर रहा है, मतलब ये माला से प्यार करता है। प्यार? लेकिन जीजू उस दिन तो अपने पिताजी के सामने इसने मना कर दिया था। आप मेरे डैडी को जानते नहीं है। अगर मैं पहले दिन उनसे कह देता कि मैं माले से प्यार करता हूँ तो वो नाराज हो जाते। ओल्ड थिंकिंग। आप बीबी जी की तरह सही खबर सुनाने लगा है। मैं डरा दिया था यार। चलो इसी बात पे सेलिब्रेट करते हैं। ये क्या है? ये वो? मैं नहीं पीता। ये शुरू हो गया? उस दिन पूरी बोतल कटा किया था। मैं कटा किया था? जीजू ये मुझे 100% रॉन्ग नंबर लग रहा है। तू फोन उठाता काहे को रॉन्ग नंबर का? आप माला जी को बुला देंगे? थोड़ा पीना है। आप प्लीज माला जी को बुला दीजिए। सेलिब्रेट माला। माला ए यहाँ क्यों आए हो? मैं आपको गार्डन ले जाने आया हूँ माला जी। माला जी ये क्या जीजी लगा रखा है? जीजू ये रॉन्ग नंबर है, हर बात पर जी लगा रहा है। माला जी गार्डन जी आओ। प्यार करता है ना मुझसे? प्यार करने वाला तो प्यार ही करेगा। शादी करेगा? जो प्यार करेगा वो शादी भी करेगा। ओ माय हीरो लेट्स गो। जीजू ये 100% रॉन्ग नंबर है, 100% रॉन्ग नंबर है ये। कैसे बोल सकता है ये रॉन्ग नंबर है? मैं साबित करके दिखाता हूँ आपको। आप चलिए ना, आप चलिए चलिए चलो। प्रेम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? रुक पहले सिगरेट तो जलाने दे। सिगरेट? तुम सिगरेट पीते हो? सिगरेट भी पीता हूँ, शराब भी पीता हूँ। बोल। तुम बहुत धोखेबाज हो। रूपा घूम जाओ वरना बहुत गड़बड़ जाएगी। गड़बड़ तो हो गई जो मैंने तुमसे प्यार किया। अरे कोई गड़बड़ ना हो इसलिए तो मैं तुझे यहाँ लाया हूँ। राम और शाम देखिए? नहीं देखी। तो फिर आज देख लेना। अरे टेढ़ी आ गए खजूर। इनको देखो बाप को लेके आए। चल शुरू हो जा। हाँ क्या? अरे तुम ही ने तो कहा था कोई खास बात करनी है तो। हाँ पहले उनको तो आ जाने दो। उनको किनको? उनको मेरा मतलब है किसी को भी। ए, तुम राजा ही हो ना? हाँ राजा ही हूँ। ये रॉन्ग नंबर है जीजू। है ना यार तू? मैं कह रहा हूँ ना जीजू ये रॉन्ग नंबर है। तेरे दिमाग की तरह तेरी आंखें भी खराब है। चुप। आप खामखा शक कर रही हैं। मैं ही आपका राजा हूँ। मेरा राजा इतनी दूर से बात नहीं करता। बात बात में करता है, पहले हाथ पकड़ लेता है। अभी पता चल जाएगा। हाँ अरे मार ना। तू ही मेरा राजा है। ओ राजा आई लव यू। छोड़ छोड़ आई लव यू। मैं तो मारूंगा। प्लीज छोड़। क्या साले अब मानते हैं कि नहीं ये रॉन्ग नंबर नहीं है? आखिरी दम तक नहीं मानूंगा। आखिरी दम तक मैं तेरा दम निकाल दूंगा। कभी
कभी उफ कभी हाय कभी हाय कभी बाय कभी आए कभी जाए कभी क्यों कभी वाई कभी यस कभी नो कभी हाँ कभी ना रानी ये भी कोई बात है चार दिन की चांदनी है फिर काली रात है ढल जाएगी ये जवानी सोचने की बात है दुनिया में आई हो तो लव कर लो दुनिया में आई हो तो लव कर लो थोड़ा सा जी लो थोड़ा थोड़ा मर लो दुनिया में आई हो तो लव कर लो दुनिया में आई हो तो लव कर लो थोड़ा सा जी लो थोड़ा थोड़ा मर लो कानों में झुमके की जोड़ी है पैरों में चांदी की पायल निगोड़ी है हाँ चांदी की पायल ये 56 करोड़ी है रूप की दौलत ये बरसों में जोड़ी है नन्हा सा दिल मेरा धड़के है सीने में पूरे किए है 16 पिछले महीने में अखियां को लेल मेरी मारूंगी फिर तुझको और मजा आएगा जीने में दिल में मोहब्बत का रंग भर लो दिल में मोहब्बत का रंग भर लो थोड़ा सा जी लो थोड़ा थोड़ा मर लो दुनिया में आए हो तो लव कर लो दुनिया में आए हो तो लव कर लो थोड़ा सा जी लो थोड़ा थोड़ा सा जी लो थोड़ा थोड़ा मर लो लड़की कड़क है तू जून की गर्मी में ठंडी सड़क है तू हाँ जान से प्यारी है जाने जिगर है तू मेरी मोहब्बत का पहला असर है तू जी लो रानी ऐश कर लो जी भर के जी लो रानी ऐश कर लो थोड़ा सा जी लो थोड़ा थोड़ा मर लो दुनिया में आई हो तो लव कर लो दुनिया में आई हो तो लव कर लो थोड़ा सा जी लो थोड़ा थोड़ा मर लो हाँ थोड़ा सा जी लो थोड़ा थोड़ा मर लो राजा ओ राजा कहाँ चला गया ये
उसके बाप को क्या कन्यादान के लिए लेके आया? और वो मामा क्या दहेज में जाएगा? नहीं नहीं, देखिए जरूर आपको कोई गलत फैमिली हुई है, हम भला उन्हें यहाँ क्यों लाते? बूंदी के लड्डू वो तेरी कार की डिक्की में बैठ गया है। डिक्की में बैठने की क्या जरूरत थी उन्हें? अगर वो हमसे कहते तो हम उन्हें सीट पे बैठा के ले आते। यार तुम तो बहुत बड़े। क्या कर रहे हो अंदर? दरवाजा खोलो। कौन कौन क्या कौन? माला ही चौंगी, जाके दरवाजा खोल। माला मैं नहीं खोल सकता, आप जाके खोलो ना, जल्दी खोलो ना। क्या कर रहे हो अंदर? खोलता या बजाऊं कान के नीचे? ओके ओके खोलता हूँ, प्लीज डोंट पुश मी। क्या कर रहे हो? ये दो दो आवाजें कहाँ से आ रही है? मैं और राजा। तुम वो राजा? मेरा मतलब मैं राजा, जब मैं ज्यादा एक्साइटेड होता हूँ तब मैं ऐसी बात करता हूँ। मगर तुम अचानक मुझे वहाँ छोड़कर यहाँ क्यों चले आए? डांस सॉन्ग के बाद मैं जरा थक गया था, सो आई केम हियर टू टेक अ शावर। हाँ? मैं नहाने के लिए आया था। नहाने? अरे वाह, मजा आएगा। हाँ? तुम और मैं और तुम और वो भी अकेले, चलो मिलकर नहाते हैं। नहीं नहीं, मैं और आप साथ में नहीं नहा सकते। क्यों? क्योंकि शादी के पहले पाप है। उतारता है मैं डुएक, चल। लेकिन मैं पैंट नहीं उतारूंगा। पैंट भी उतार, मैं चेंज करके आती हूँ। ओके जीजू, बाथरूम के अंदर गड़बड़ है, घोटाला है। अरे हराम खो नाराज, अंदर मेरी बेटी हो सकती है, मेरा दामाद हो सकता है, तो उनको इस हालत में भेजो तक। आजा शाने, और मेरे को समझा कि तूने कपड़े काय को उतारे? तो आपकी माला जी है ना, वो जबरदस्ती मेरे कपड़े उतार के मुझे नहाने को कह रही है। अच्छा, नहा लूं उनके साथ? अच्छा, वो तेरे से कहेंगी कि जाके कुएं में कूद मर, तो तू कूद मरेगा? चल नाक में साबुन गया। चले गंदिया पानी में रहे। सुनो, मुझे फिर से दो दो सुनाई दिए। आइला डार्लिंग, तेरे कान बहुत मस्त है, लोगों को कम सुनाई देता है, तेरे को ज्यादा सुनाई देता है। तुमने कपड़े फिर से क्यों पहन लिए? अरे तू कहती तो फिर से बदल लेता बुलबुल। जाओ चेंज करके आ। ये देख। What happened? क्या हुआ? तुम तो अभी बाहर थे, इतनी जल्दी कपड़े कैसे उतारे? वो तुम्हारे साथ नहाने के लिए उतावला था ना, तो इसलिए क्विकली क्वी। पता नहीं, मैं तो बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। क्या हो गया तेरे को? अभी तो बराबर थी, चटिया गई लिए क्या? अपुन एक ही थे। ये जो तूने सर पे और बॉडी पे इतना झाग लगाया ना, उससे अपने को तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन तेरे को डबलिंग में दिखाई दे रहा है। आ जा मेरी हीरोइन, आ जा। ठीक है। चल बूंदी के लड्डू खिसक यहाँ से, कान के नीचे बजाऊंगा, पानी गंदा करेंगे। चल आदमी एक महीने के बाद नहाएगा तो मजा तो आएगा ही ना। मैं चेंज करके आती हूँ। तुम यहाँ कहाँ से आ गए? अपने पैरों से। अभी अभी तो मैंने तुम्हारा सर पोंछा था, तो फिर ये झाग कहाँ से आया? हाँ, दोबारा अपना सर पोंछवाने के लिए मैं अपने सर पे और शोल्डर पे झाग लगा के आया हूँ। अच्छा। अरे तुम यहाँ कैसे? प्रेम, ये प्रेम कौन है? राजा? राजा, ये राजा कौन है? प्रेम, ए तुम कौन हो? रूपा। और तुम कौन हो? माला। तुम इनके साथ क्या कर रहे थे? हाँ, नहा रहे थे, नहा रहे थे। प्यार मुझसे करते हो, नहाते इनके साथ हो? मैं तुम्हारे साथ भी नहाऊंगा। क्यों गले पड़ रही है? ये मुझसे प्यार करता है? नहीं, ये मुझसे प्यार करता है। तुमने पहले जीप से मुझे टक्कर मारी और मेरे बैक पॉकेट पे मारा। हाँ, और तुम मुझे एयरपोर्ट पर मिले और सबके सामने किस किया, मेरे बाप को बेवकूफ बनाकर मेरे ही घर में आकर मेरे साथ गाना गाया और मेरे लिए गुंडों से लड़े और फिर गोद में उठाकर घर ले आए और मेरे साथ गाना गाया। क्या तू लाते दिल में ला तुलिया तली तूने ये दादी मान ली, मैंने ये बैग मान लिया, तुमने फिर से चोरी की है। तिथी मेरी कॉबली तोल बचा ले ना। अच्छा आप लोग बैग वाले चोर को ढूंढ रहे हो? अंदर है। अरे मुझे तोल दो, अरे मुझे तोल दो, अरे मुझे तोल दो, मुझे माल लाली, मुझे माल लाली, मुझे बहुत तोड़ के लगती है, मुझे लगती है।
इसे पुलिस के हवाले कर दो, मारना है। एक मिनट राजा जी तेरे को क्या हो गया? चल राजा, मैं तो तोलूंगा नहीं। अरे तू सोच के राम में तलंग के साले। ये डर रहा है या डरा रहा है? तू तो क्या डरा हुआ, तू तो पहले से ही डरा हुआ है। डरा पहले ये बताओ कि तेरा बॉस राजा कहाँ है? तुझे दूसरा जन्म भी लेना पड़ा ना, फिर भी इसे उगलवा नहीं पाए। हाँ तय बोला है, बिल्कुल तुझसे ज्यादा तमल्ला तो तेला ये तमता है तमता। चमचा गुड। फिल्मों में मैंने देखा है कि फ्रैक्चर के वक्त टॉर्चर के वक्त ये लाइट ऑन होती है, और जैसे ही लाइट ऑन होती है मुजरिम सब कुछ कबूल कर लेता है। लाइट्स लाइट नहीं मेरे पास कुछ कबूल करने का नहीं है। नहीं नहीं ठीक है, बता राजा कहाँ है? ये तो डर ही नहीं रहा है। लाइट हिलाओ। तू हिला। मैं हिलाऊंगा तो इसे मारेगा कौन? ये तुझे मारेगा, तू लाइट हिला। उससे तो बाद में निपट लूंगा। छोड़ दे। ये क्या था? स्पेशल इफेक्ट। तो बताया क्यों नहीं? अरे बताता तो लगता कैसे? बेवकूफ था क्या? बेवकूफ था, बेवकूफ था तू। बीवी बार बार फोन क्यों करती हो? पाउडर लिपस्टिक काजल क्रीम सब ले आऊंगा। ये पुलिस स्टेशन है या कॉस्मेटिक की दुकान? ए, कौन है तू? कमिश्नर से बात करने की तमीज नहीं तुम्हें? सर, आप सर, I'm sorry सर, मैंने पहचाना नहीं सर। नो प्रॉब्लम माय बॉय, नो प्रॉब्लम। तुमने राजा के असिस्टेंट को पकड़ के बहुत बड़ा काम किया है। थैंक यू सर। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को तुम पर नाज है। थैंक यू सर। हम भी तुमसे बहुत खुश हैं। थैंक यू सर। अब फौरन रंगीला को छोड़ दो। रंगीला को छोड़ दो? क्यों सर? तुम जैसा काबिल इंस्पेक्टर ऐसा सवाल करे कुछ अजीब सा लगता है। तुम रंगीला को छोड़ोगे वो सीधे अपने गुरु के पास जाएगा, तुम उसका पीछा करोगे और इसी तरह तुम राजा को भी गिरफ्तार कर लोगे, और फिर तुम डीएसपी से फौरन एसपी बना दी जाओगे। वाह सर वाह, क्या आइडिया है। बस सर अभी तो मैं डीएसपी बना दिया गया हूँ ना, क्या अब मैं किसी कांस्टेबल को सस्पेंड कर सकता हूँ सर? हाँ बापू, अब तेरे में पावर ही पावर है। अब चल रंगीला को छोड़। यस सर, मैं रंगीला को फौरन छोड़ दूंगा। थैंक यू सर। गुरु क्या है? रंगीला को तोड़ दो। अब तुम जाओ, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा और राजा को पकड़ लूंगा। तोत लो। तोत लिया। ठीक है। ओके, कहता है तोत लो। ये क्या बेवकूफी की? शट अप, कमिश्नर साहब का फोन था, मेरी तरक्की हो गई, उसे छोड़ने को कहा है। कमिश्नर साहब? अरे वो तो कॉन्फ्रेंस में दिल्ली बैठे हुए। तो ये फोन किसका था? वो फोन राजा का था, बाहर से कर रहा था। उसे पकड़ लो। मैं नहीं पकड़ता, तू पकड़। उसे पकड़ लो। तू पकड़। वो बहुत दूर चला जाएगा, पकड़ लो। टाइम का पंक्चुअल होना तो कोई अमेरिका वालों से सीखे। क्या पंक्चुअलिटी है, 7 बजा नहीं के गाड़ी में बैठ के आ गया। नहीं तुम जाके तैयार हो जाओ, मंत्री जी आते ही होंगे। अरे मंत्री जी भी आ गए, तुम जा जाओ, हम स्वागत करके आते हैं। नहीं अच्छा हुआ आप लोग मुझे मिल गए। अच्छा हुआ तुम भी हमें मिल गए। वो सिंगापुरी ना, वो मुझे मारना चाहता है। तुम्हें मारना चाहता है? हाथ ऊपर करो। ऊपर ऊपर पकड़ लिया मैंने। भाई लोग लगता किसी की शादी है, खाना भी फुकट का मिलेगा। कपड़े के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, जहाँ से गोविंदा सिलाता वहीं से अपुन भी सिलाता। क्या अरे शो का टाइम हो रहा है, जल्दी अंदर ले जाओ। नहीं आई ना, खजूर का फोटो रख।
मुड़ के देख मुझे दोबारा चलती है कनों से बारा।
कमिश्नर साहब यहाँ क्यों आए? मुझे अरेस्ट करने, मैंने राजा को जो पकड़ा है, मुझे प्रमोशन देने मैंने राजा को अरेस्ट जो किया है। टेंशन है। मिस्टर प्रेम को किसने अरेस्ट किया? सर ये प्रेम नहीं है, राजा है, धारावी का सबसे मशहूर गुंडा राजा सर। बड़ी मुश्किल से मैंने इसे कैद किया सर, अब आप मुझे फौरन प्रमोशन देकर एसपी बना दीजिए सर। मैं तुम्हें डिमोशन देने के लिए ही आया हूँ। आपकी अंग्रेजी में गड़बड़ हो गई सर, डिमोशन नहीं होता सर, प्रमोशन होता है। शट अप, हवलदार छोड़ देने। अरे रुकिए सर, ये प्रेम नहीं राजा है, राजा। सर ये राजा नहीं है, ये मशहूर सिंगर प्रेम मल्होत्रा है। इतने मशहूर आदमी को इसने जेल में डालने की जरूरत की। सोचा सर ये झूठ बोल रहा है। अच्छा तो ये झूठ बोल रहा है, तुम सच बोल रहे हो? ऑफ कोर्स सर, इसीलिए मैं इसे प्रमोशन और तुम्हें डिमोशन देने आया हूँ। नहीं सर, क्या कह रहे हैं आप? थैंक यू सर, मैं अभी खोल कर लाता हूँ प्रेम कुमार जी को। सर आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर, ऐसा मत करना। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? यस कम इन। हवलदार विद्यार्थी रिपोर्टिंग सर। इससे पहले कहाँ थे? शैतान चौकी में सर। और तुम्हारा रिकॉर्ड इतना बुरा था कि तुम्हें इंस्पेक्टर से हवलदार बना दिया गया, क्यों? रिकॉर्ड मेरा हमेशा अच्छा रहा है सर, लेकिन ये सब उस कमीने हवलदार की साजिश है सर, जिसने मेरे उजले करियर को दाग दाग बना दिया। लेकिन मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं सर, वर्दी मेरे जिस्म पर इंस्पेक्टर की ना सही, हवलदार की से। लेकिन उस कमीने का तो मैं वो हाल करूंगा कि वो हवलदार बनने के लायक भी नहीं। तू तमीज से बात करो। लेकिन आप तो हमेशा मुझे तू कहकर बुलाते थे। वो तो इसलिए क्योंकि तू आप कहलाने के लायक नहीं था, बहुत रोब जमाया मुझ पे, क्यों? अब हर बेइज्जती का मैं गिन गिन के बदला लूंगा, समझा? आज से तू सरकारी नहीं, मेरा पर्सनल नौकर बनकर रहेगा। रोज सुबह मेरे घर दूध लाएगा, फिर बच्चों को स्कूल ले जाएगा, दोपहर को मेरे लिए लंच लाएगा, शाम को मेम साहब को खाना बनाने में भी मदद करेगा और घर के सारे कपड़े भी धोएगा, बच्चों को स्कूल से घर पहुंचाएगा। अब हमारा जेल का मुआयना करने का वक्त आ रहा है, जाओ हमारे लिए लंच ले आओ। जाओ जाओ, चलो। चढ़ो। उठाओ भाई। अच्छा समझ गया, ये मुझसे नाराज है। अच्छा ठीक है, मैं तुमको सर कहकर बुलाऊंगा ना। अरे तू जैसा कहेगा मैं वैसा करूंगा। मैं तेरे बच्चों को स्कूल लेकर जाऊंगा और वापस भी लेकर आऊंगा। मैं तेरी खूब सेवा करूंगा, उठना। लेकिन वो क्या गया, उठेगा नहीं तो मुझसे झगड़ा कौन करेगा? भला बुरा कौन कहेगा? ठीक है मैं प्रमोशन की बात भी नहीं करूंगा, मगर मेरी अंग्रेजी कौन सुधारेगा? गुरु हिम्मत से काम लो विद्यार्थी। हिम्मत तो तू था मेरी, तू मुझे अकेला छोड़ के चला गया, हमेशा मेरे साथ रहा। क्या हक है तुझे इस तरह मुझे अकेला छोड़ के जाने का? क्या हक है गुरु? गुरु आलाम 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 तब ठीक हो जाएगा, मुझे लगता है दो आएंगे, दुल्वा दुल्वा। तुम लालो अस्पताल भेजो ना जल्दी से। में कौन कौन है? कोई नहीं है, सब अस्पताल गए हैं। नीलम की तबीयत कैसी है? क्या आप राजा हैं? जी
उसका ऑपरेशन करना है। ये दवाइयां जल्दी लेकर आइए। डैडी, अब यही ठहरी, मैं से डॉक्टर से मिल के आया। ओके। अच्छा हुआ तो सही वक्त पर आ गया। भैया, टाइगर, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना तो मैं तेरी बोटी बोटी काटा लूंगा। अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहते हो तो उस मल्होत्रा को जिसे तुमने हॉस्पिटल में बचाया था लाकर हमारे हवाले कर दो। हम तुम्हारी बहन का सही इलाज करवाकर बच्चा समेत तुम्हारे हवाले कर देंगे। नहीं, मैं ये हरगिज नहीं करूंगा। पागल मत बन राजा। जिस आदमी की जान बचाने के लिए तू अपनी बहन की जान दांव पर लगा रहा है, क्या लगता हो तेरा? अरे वक्त बहुत कम है राजा, जल्दी फैसला करो। अगर एक घंटे में तुम्हारी बहन का ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसका बचना नामुमकिन है। मल्होत्रा, ए मल्होत्रा, मल्होत्रा कहाँ है? हैरी है क्या? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, कहाँ है मल्होत्रा? अरे बता क्यों नहीं रही है? कहाँ है मल्होत्रा? अरे बोलती क्यों नहीं है? हमारा बेटा है। हाँ गीता, ये हमारा बेटा प्रेम है। ये चलना है, बहुत हो गया तेरा बुढ़िया का नाटक, तू चल मेरे साथ। अरे प्रेम, ये तुम क्या कह रहे हो? ये मैं प्रेम वेम नहीं है, मैं राजा है। ये क्या मजाक, क्या कर रहे हो बेटे? हा? छोड़ दो, मैं किसी का बेटा नहीं हुआ, तू चल यहाँ से। अरे माँ, राजा मेरे डैडी है। एक हजूर, अपने को कोई परवाह नहीं है तेरा कौन है, इसे अपने को टाइगर के पास लेके जाने का। नहीं राजा, मत रोक इसे बेटा, मत रोक। शायद इसे मालूम नहीं कि वो तुम्हारे ही डैडी को नहीं अपने डैडी को भी ले जा रहा है। ये बाप बाप का नाटक अपने साथ नहीं करना, ये तो इत्तेफाक की बात है कि अपन दोनों की शक्ल एक ही है। अब चल। बेटे बेटे, मैं सच कह रहा हूं, तुम दोनों जुड़वा भाई हो। तुम्हें खो देने के सदमे के कारण तुम्हारी मां 25 साल से जिंदा लाश की तरह बिना होश हवास के जी रही है। इतना बताओ कि इतने बरसों में कोई भी दवा तुम्हारी मां को ठीक नहीं कर सकी, मगर आज तुम्हारे छूने से एक जिंदा लाश को होश आ गया। क्यों? क्योंकि जो खून तुम्हारे रगों में दौड़ रहा है वही खून तुम्हारे मां के रगों में दौड़ रहा है। क्या हुआ बेटे? बेटे, टाइगर ने नीलम को उठा लिया है, कहता है कि जब मैं आपको उसके हवाले करूंगा तभी वो उसे छोड़ेगा। मुझे उसके हवाले कर दो। टाइगर राजा मल्होत्रा को लेकर आ गया है। क्या चाहता है तू? बदला। बदला? किस चीज का बदला? ये मेरे बाप से पूछ।
आपकी अस्थियां हैं जिन्हें 25 साल से मैंने संभाल के रखा है। जानते हो क्यों? तुम्हारा खून इसमें मिलाकर इन्हें विसर्जन करने के लिए। देखिए देखिए देखिए, आपके कहने के मुताबिक मैं इन्हें यहाँ ले आया हूँ। अब अपने वादे के मुताबिक आप प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो। अरे तुमने हम पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की मेरे लाल। हीरो वो जो वादा निभाए, विलन वो जो वादा तोड़े। डैडी, डैडी यानी बाप, बेटा, बेटी, ताऊ, ये तो सबके सब इधर है। हम लोग तो इसकी वाट लगा देंगे डैड, वाट। क्या हुआ? उन लोगों ने मुझे बहुत मारा। विलन वही जो माल था है, हीरो वही जो माल है। कौन है आपको? इसलिए अटक अटक के मारता हूँ। अबे देख क्या रहा है लुखे, इसे बोलते हैं जुड़वा। हेलो ब्रदर। हेलो, हाउ आर यू? फाइन। वेट, चार पटके मार के आता हूँ मैं अभी। एंजॉय। हाँ मेरी भाई से लड़ो ना राजा, राजा मुझे बचा ले। प्रेम या खजूर पत्ती छोड़, मार उसे। नहीं होगा, नहीं होगा। मार जा। मैं जानता हूँ मेरी कैपेसिटी, मैं जानता हूँ नहीं होगा। ये क्या बोला? ये क्या हो रहा? मेरे कुत्ता बस मिली। अरे क्या हो रहा? इसको जीव लग रही है, इसको मेरे दोस्त को। तुती का ना? ये
मैं भी समझ गया, तू एक काम कर, तू मेरे को मार, तू मेरे को मारेगा, खुद को मारेगा, मेरा वो भाई बताएगा, खत्म से मेरे को लगे के लिए तू मेरे को मार 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 हाँ मार। मैंने तुझे बहुत मारा, तुझे लगी तो नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं लगी, कभी लाम के हाथ तो लक्ष्मण को लग सकती है क्या? देख उस पुत्र का हाल क्या हो गया, गले लगा ले मुझे, गले लगा ले, बहुत लगी मेरे को भैया। अरे वाह खजूर, तूने तो कमाल ही कर दिया, ठीक तो ना, अब देख इसकी कैसी पुंगी बजा के आता हूँ। हाथ नहीं फांसी का फंदा है टाइगर, यू आर अंडर माई, ये गलत है ब्रेथ नहीं, यू आर अंडर माई अरेस्ट। क्या अंडर अरेस्ट? ओ अरेस्ट, हाँ बेटा पुलिस की नौकरी करोगे? हाँ, मेरी माँ का भी यही सपना था कि मैं पुलिस बनूं। क्या मेरी माँ का सपना यही था कि मैं पुलिस बनूं? हाँ, तेरी माँ का सपना जरूर पूरा होगा, पहले थैंक यू, मैं पुलिस में पलटी रहूंगा, मैं सब लोगों को पकड़ूंगा, मैं बहुत मारूंगा, मैं बहुत अच्छा आदमी बन जाऊंगा। मेरे को भी तेल को कहते मार सकता हूँ, तू तो मेरा भाई है। चले ए, 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 ए,